गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में हम डिस्कशन करेंगे CSTO के बारे में, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिवली सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। 6 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिनका मेन मोटिव कंट्रीज में पीस को बढ़ाना है, पीस को प्रमोट करना एंड सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करना। फाइन, अब सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि CSTO न्यूज में किस वजह से है। तो देखिए, कजाकिस्तान ये सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से कजाकिस्तान में अनरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशंस हैं इस टाइम, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। सो न्यू ईयर 2022 के स्टार्ट होने के साथ ही वहाँ पे जो फ्यूल के प्राइसेस में हाइक आया है उससे लोग गुस्से में हैं एंड काफी तोड़फोड़ कर रहे हैं प्रोटेस्ट में। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पुलिस भी एक्शन में आई है एंड इस अनरेस्ट में कुछ लोग मारे भी गए हैं, कैजुअलिटीज भी वहां पे हुई है। सो कजाकिस्तान में कंडीशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए वहां के जो प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार टोकायेव, उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगी है कि वो आके यहाँ पे इस अनरेस्ट को ठीक करें। सो अब CSTO की ट्रूप्स वहां पे प्रोटेस्ट को एंड करने के लिए भेजी गई हैं, कहाँ पे, कजाकिस्तान में, ठीक है। सो इशू क्या है कि कजाकिस्तान एक ऑयल रिच कंट्री है, पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 19 मिलियन है एंड यहाँ पे न्यू ईयर के ओपनिंग डेज में मास अनरेस्ट की कंडीशन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG की सब्सिडी खत्म कर दी है, जिस वजह से LPG अब महंगा हो गया। हालांकि ये डिसीजन 3 साल पहले लिया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इसको अब इम्प्लीमेंट किया गया है एंड फ्यूल के प्राइसेस अब फुल्ली मार्केट बेस्ड हो गए हैं, मीन्स सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। अब कजाकिस्तान में क्या है कि वहां पे ज्यादातर व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल की जगह पे LPG से रन होते हैं, LPG से चलते हैं एंड सब्सिडीज खत्म होने से क्या हुआ कि वहां पे LPG के जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं। जो LPG पहले 60 टेंस पर लीटर था, टेंस वहां की कंट्री है, करेंसी है, तो जो 60 टेंस में मिलता था अब वो सीधा ही 120 टेंस का हो गया। सो एकदम से इतने डबल प्राइसेस कर दिए हैं LPG के, दैट इज why पीपल आर सो एंग्री विद द गवर्नमेंट एंड पूरी कंट्री में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब वहां की जो गवर्नमेंट है इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने CSTO से हेल्प मांगी है। अब CSTO के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और 6 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं एंड दीज आर रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस। तो ये 6 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं CSTO की। यहाँ पे बेलारूस है, इधर रशिया फेडरेशन, कजाकिस्तान, फिर यहाँ किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज की लोकेशन है जो कि CSTO की मेंबर कंट्रीज हैं और हेडक्वार्टर इसका रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पे सिचुएटेड है। तो मॉस्को की लोकेशन यहाँ कहीं है, दिस इज मॉस्को, यहाँ पे हेडक्वार्टर है CSTO का। और उज्बेकिस्तान भी पहले इसका मेंबर था लेकिन अब नहीं है, उज्बेकिस्तान ने विदड्रॉ कर लिया था बाद में, ठीक है। एंड ये जो मिलिट्री अलायंस है ये 2002 में इफेक्ट में आया था एंड इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992, जिसको ताशकंद ट्रीटी भी बोलते हैं।
बिकॉज ये उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में साइन हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1966 में जो ताशकंद ट्रीटी हुई थी उसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये ट्रीटी अलग है एंड वो डिफरेंट है। 1966 में जो ताशकंद ट्रीटी हुई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, वो भी ताशकंद में ही हुई थी जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है करंटली, एंड उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था उज़्बेकिस्तान। और 1966 की जो ताशकंद ट्रीटी थी उसमें हमारे जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो ताशकंद ट्रीटी साइन करने के लिए उज़्बेकिस्तान गए थे। एंड ये ट्रीटी डिफरेंट है, ये 1992 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई थी, ये भी ताशकंद में ही हुई थी, इसलिए इसका भी नाम, इसको भी ताशकंद ट्रीटी कहते हैं। बट एक्चुअल में ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, 1992 में साइन हुई थी और ये 6 कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी। दीज आर आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, ये तो करेंटली मेंबर्स हैं इसके। उस टाइम उज़्बेकिस्तान भी इसका एक मेंबर था जिसने बाद में 2012 में विदड्रॉ कर लिया। तो देखिए 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था एंड यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गई एंड जो वॉर्सो पैक्ट था 8 सोशलिस्ट स्टेट्स का जो एक अलायंस था वो भी डिसोल्यूट हो गया। एंड फिर इसमें से जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उन्होंने एक ट्रीटी साइन की इनिशियली, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी बाय आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ताशकंद में साइन हुई थी। और बाद में 1993 में अजरबैजान, जॉर्जिया और बेलारूस ने भी इसको लेटर ऑन साइन किया। एंड फिर ये ट्रीटी 1994 में इफेक्ट में आई थी। इनिशियली ये एक ट्रीटी थी जो कि लेटर ऑन 2002 में एक मिलिट्री अलायंस बन गई एंड इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बाद में 2002 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी मिलिट्री अलायंस जिसमें 20,000 इलीट पर्सनल की एक फोर्स तैयार की गई एंड दे आर केप्ट ऑन हाई अलर्ट। एंड इस फोर्स का फिर ये एक जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारी जितनी भी ये मेंबर कंट्रीज हैं इनमें से एक में भी अगर कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे तो उनको टैकल करने की जो जिम्मेदारी है वो इस फोर्स की होगी। तो किसी एक कंट्री में भी अगर कोई सिक्योरिटी इशू होता है तो वो इशू इन सभी कंट्रीज का कलेक्टिव इशू होगा एंड वहां पे पीस प्रमोट करने का काम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। और इस अलायंस में जॉइंट एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं। 2021 में एंटी टेररिज्म ड्रिल्स प्रैक्टिस की गई थी जब अफगानिस्तान में केओस की कंडीशन थी बिकॉज ताजिकिस्तान जो कि CSTO का मेंबर है उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ लगता है, और ताजिकिस्तान में कोई अनरेस्ट की कंडीशन ना क्रिएट हो इसलिए उसकी भी तैयारी पहले से की गई थी और एंटी टेररिज्म ड्रिल्स की प्रैक्टिस की गई थी। अब देखो CSTO का जो आर्टिकल 4 है वो नेटो के आर्टिकल 5 के साथ बहुत सिमिलर है एंड इसमें क्या है कि किसी भी एक मेंबर कंट्री की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अगर थ्रेटन होगी या किसी एक मेंबर स्टेट के ऊपर आर्म्ड अटैक होगा तो उसको ऐसा माना जाएगा कि वो सारी मेंबर स्टेट्स के अगेंस्ट एक एग्रेशन है, तभी इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी कहा जाता है। बिकॉज एक मेंबर स्टेट में अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे तो वो सभी कंट्रीज के कलेक्टिव सिक्योरिटी चैलेंजेस माने जाएंगे, ठीक है। तो CSTO की जो फोर्सेस हैं आर्टिकल 4 के तहत ही वहां पे कजाकिस्तान में गई हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ने जो फॉरेन ट्रेन टेररिस्ट गैंग्स हैं उनको ब्लेम किया है कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो टेररिस्ट गैंग्स करवा रही हैं। फाइन, तो अब देखते हैं कि रशिया के लिए CSTO का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो एशिया में तो चाइनीज एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट और वेस्ट में अमेरिका और यूरोप के अगेंस्ट
सीएफटीओ जो है वो एक यूजफुल टूल है सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रशिया के पास। एंड ये सीएफटीओ जस्टिफाई करता है रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को मेंबर कंट्रीज में, एंड रशिया को एक वीटो पावर प्रोवाइड करता है इन द रीजन। एंड इन टर्न सीएफटीओ के जो मेंबर्स हैं वो भी रशिया के कोऑपरेशन से बेनिफिट होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है रशिया के एडवांस आर्म्ड फोर्सेस का, जिससे रशिया की जो पकड़ है सेंट्रल एशिया में वो और ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कजाकिस्तान को यूक्रेन की ही तरह ग्रेटर रशियन वर्ल्ड का पार्ट मानते हैं, रियल कंट्रीज नहीं मानते। एंड ये जो सीएसटीओ का क्विक रिस्पांस है कजाकिस्तान में, ये गुड साइन है अदर अलायंस मेंबर्स के लिए भी। ठीक है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, मिस्टर टोकायेव जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के, उनके लिए वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अनरेस्ट की कंडीशन है कजाकिस्तान में, बिगेस्ट क्राइसिस है उनकी प्रेसिडेंसी में, एंड साथ ही साथ ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्राइसिस तो ऐसे है कि वायलेंट क्लैशेस की वजह से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वहाँ पे रूलिंग इलाइट के लिए, एंड अपॉर्चुनिटी इसलिए है बिकॉज नाउ प्रेजिडेंट कैन कम आउट ऑफ द शेडोज ऑफ ओल्ड रिजाइम, अपने ओल्ड रिजाइम के शेडोज से प्रेजिडेंट बाहर आ सकते हैं। हालांकि इसका जो आउटकम होगा क्राइसिस का वो उनके डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। सो रिसेंट इंटरवेंशन बाय सीएसटीओ इज अ गुड साइन फॉर अलायंस अदर मेंबर्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीएसटीओ इन कॉन्टेक्स्ट टू द Kazakhstan political unrest. For more updates related to the current affairs, subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. If you like the video, share with your friends. Thank you so much. Best of luck.